बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स सेट के साथ होंगे और अपना एग्जाम की तैयारी जो है बहुत अच्छे तरीके से कर चुके होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करने जा रही हूँ मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज फॉर द बोर्ड एग्जाम 2023। और आप लोगों को जैसे पता है, हम लोगों ने पेरेंट स्कीम जो है वो डिस्कस की थी और उसमें हमने देखा था चैप्टर नंबर 12 और 16 जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं थ्योरम्स के लिए, और मोस्टली जो है वो 2 चैप्टर्स ही बच्चों को करवाए जाते हैं आपको थ्योरम्स के लिए। अब हम देखते हैं कि चैप्टर नंबर 12 और 16 में से कौन से जो थ्योरम्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस बार के एग्ज़ाम के लिए। और आप लोगों को पता है कि राइट आफ्टर ईद हॉलीडेज 26 अप्रैल को आप लोगों का जो है वो मैथ्स का एग्ज़ाम कंडक्ट होने जा रहा है। तो चलें जल्दी से देखते हैं कि हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स कौन से हैं जो कि इस बार चांसेस हैं कि ये थ्योरम्स आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 का आपके पास थ्योरम नंबर 1, थ्योरम नंबर 2, 3 और 6 जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन सिर्फ इन थ्योरम्स पे आप लोग रिलाई नहीं करोगे, आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोगों के टोटल 6 और 7 जितने थ्योरम्स हैं आपके चैप्टर नंबर 12 में वो सारे सॉल्व आउट कर लो, ताकि आप लोगों को किसी भी किस्म के कन्फ्यूजन से जो है वो गुजरना ना पड़े। तो जब आप सारी चीज़ें सॉल्व आउट कर लोगे तो कोई भी थ्योरम आ जाएगा तो आप लोगों को कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। लेकिन इंपॉर्टेंट थ्योरम जो कि इस दफ़ा चांसेस होंगे चैप्टर 12 से पूछे जाने के, वो हैं चैप्टर नंबर 12 से थ्योरम नंबर 1, 2, 3 और 6। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 16 आ जाता है, 16 चैप्टर से थ्योरम नंबर 3 और 4 जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और चांस तो यही है कि आपके पास थ्योरम नंबर 3 और 4 में से थ्योरम पूछा जाए। लेकिन सजेशन मेरे पास यही होगी आप लोगों के लिए कि किसी भी डिफ़िकल्टी से, किसी भी जो है डिफ़िकल्टी और कन्फ्यूजन से बचने के लिए आप लोग चैप्टर 12 और 16 को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लो। आप लोगों के पास 5 से 6 हॉलीडेज़ हैं इन पेपर्स में, मैथ्स के पेपर में, और आप लोग आसानी के साथ चैप्टर नंबर 12 और 16 के तमाम थ्योरम्स को जो है वो तैयार कर लोगे तो बहुत अच्छा होगा। इंपॉर्टेंट थ्योरम्स मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली है, सारे थ्योरम्स जो है वो करने के लिए इसलिए कह रही हूँ ताकि आप लोग किसी भी कन्फ्यूजन से जो है वो बच सको और कोई भी आपके पास ऐसी सिचुएशन जो है वो ना राइज हो जो आप लोगों के मार्क्स डिटेक्ट करें। 8 मार्क्स का आपके पास थ्योरम होता है और किसी भी किस्म का चांस ये रिस्क हम लोग इसमें नहीं ले सकते। हमारा काम है आप लोगों को इंपॉर्टेंट बताना, लेकिन इंपॉर्टेंट बताने के साथ साथ आप लोगों को गाइडेंस भी देना कि सिर्फ इंपॉर्टेंट और गेस्ट पेपर पर आप लोगों ने रिलाई नहीं करना, आप लोगों ने तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से कवर करना। और ट्राई टू प्रिपेयर कंप्लीट थ्योरम्स फ्रॉम द चैप्टर नंबर 12 और 16। यही बात जो मैंने आप लोगों के साथ पहले डिस्कस की कि कोशिश करनी है आप लोगों ने सिर्फ थ्योरम्स जो है वो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स नहीं करने, आप लोगों ने कंप्लीट थ्योरम्स करने हैं। बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, अगर आप एक थ्योरम कर लेते हो उसका कन्वर्ट्स कर लेते हो तो वो आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। तो सारे थ्योरम्स करने की कोशिश कीजिए ताकि कोई भी डिफ़िकल्टी जो है वो ना आए। हमारे पास आज की बिल्कुल छोटी सी वीडियो जिसमें हम लोगों ने इंपॉर्टेंट थ्योरम्स को डिस्कस किया, मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो भी पसंद आई होगी और आपके एग्जाम में भी काफ़ी हेल्प आउट करेगी इंशाल्लाह ताला। और लास्ट में मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट होगी, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।